तो दोस्तों अब आपको बताते हैं वृषभ प्रेम राशि फल 2020। वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम राशि फल 2020 इशारा कर रहा है कि इस साल आपका समय काफी रोमांटिक रहेगा। आपकी उम्मीदें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। मनचाहा पार्टनर आपको मिल सकता है। दरअसल साल की शुरुआत के समय राशि स्वामी शुक्र, जो कि प्रेम के कारक भी माने जाते हैं, आपकी राशि से भाग्य स्थान में होना आपके लिए रोमांटिक लाइफ में शुभ परिणाम मिलने के संकेत दे रहा है। इस साल आपको जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा। अविवाहित प्रेमी जातकों के मधुर संबंध बनेंगे। आपके लिए आपके पार्टनर काफी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों की मदद से भी आप एक अच्छी रोमांटिक लाइफ का आनंद ले सकते हैं। खोया हुआ प्यार भी इस साल आपके पास लौट कर आ सकता है। समय के साथ साथ आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। साल की शुरुआत में आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल अपनी ही राशि में मौजूद है, जो कि 2020 में आपकी शादीशुदा जिंदगी को शानदार बना सकता है। हालांकि पंचम भाव के स्वामी बुध का अष्टम भाव में पंचग्रही योग आपकी रोमांटिक लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव के संकेत दिखा रहा है। मार्च के अंतिम दिनों में गुरु भाग्य स्थान में शनि के साथ आएंगे, जहां नीच भंग राजयोग आपके लिए बन रहा है। भाग्य स्थान से गुरु की पंचम दृष्टि से आपकी राशि को देखना, नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखना, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ को गुरु पूरी तरह प्रभावित करेंगे। पार्टनर के साथ किसी तरीके का मतभेद है तो किसी करीबी दोस्त, परिजन, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। हालांकि मई में शनि और गुरु के वक्री होने से आपके लिए परिस्थितियां थोड़ी कठिन हो सकती हैं। इस समय अपने साथी के साथ किसी भी तरह के कम्युनिकेशन गैप से बचें, नहीं तो गलत फहमियां हो सकती हैं। जून के अंत में गुरु वक्री अवस्था में वापस अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। सुख सुविधाओं में कमी आने से आपकी पर्सनल लाइफ पर इसका असर पड़ सकता है। सितंबर में राहु राशि परिवर्तन कर जहां आपकी राशि में आ जाएंगे, वहीं केतु भी आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही सोच समझकर चलने वाला रहेगा। हालांकि गुरु और शनि सितंबर के अंत तक मार्गी हो जाएंगे, लेकिन केतु आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का काम करेंगे। नवंबर में गुरु के पुनः भाग्य स्थान में शनि के साथ आने पर आपके लिए चीजें सही होने लगेंगी। आपकी लव लाइफ फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। विवाह के योग भी इस समय अविवाहित जातकों के लिए बनेंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि प्रेम फल 2020 के अनुसार कह सकते हैं कि ये वर्ष उत्तरार्ध में थोड़ा संभल कर रहें और आपकी लव लाइफ के लिए उत्साहजनक रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए भाग्यशाली टोटके के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।